कितने सौ का पोस्टमार्टम कर चुकी है? 22 से 23 हजार लगभग हम कर 22 से 23 हजार सौ का पोस्टमार्टम कर चुकी है। बॉडी आती है इस पर लेटा देते हैं उसको, पूरा कपड़ा काटते ओपन करके। ये देखिए ये है बीपी ब्लेड। हाँ। इससे चेस्ट एब्डोमेन खुलता है, ट्रिकिया खुलता है। हाँ। ये जो छेनी हथौड़ी है। हाँ। उससे स्कैल खोलते हैं। छेनी हथौड़ी से सर खोला जाता है जी जी। आई कैंची है इसे कपड़ा का। देखिए सौ कभी कभी जिंदा हो जाता है, बैठ जाता है, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? एक बार हुआ था जो आँख खोल लेता था। हाँ, क्या हुआ था? एक्सीडेंटल बॉडी था, पूरा फ्रैक्चर था। हाँ। एकदम ताजा बॉडी था, लाइव पोस्टमार्टम के लिए तो आँख बार बार ऐसे खोल लेता था। मतलब पोस्टमार्टम के लिए सौ को लाया गया तो आँख भी खोल लेता। हाँ, प्राण जो है सो बहुत कष्ट से प्राण निकलता है। हाँ। तो उसको दो बार हम आँख मूंद दिए। हाँ। ऐसे करके दो बार आँख मूंद दिए, तीसरा बार में कहे कि शांत रहो तुम डेड बॉडी हो। इस तरीके से आप डेड बॉडी को बोली तो शांत हो गया? हाँ, अब डेड बॉडी है, अशांत रहो तो आँख मूंद लिया। का जिस दिन बॉडी आएगा, एक आवे चाहे 100 बॉडी आवे। हाँ। उसका 380 मिलता है। एक चाहे जितना भी डेड बॉडी आए बस आपको 380 रुपया ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं। अगर जिस दिन डेड बॉडी नहीं आता उस दिन नहीं मिलता है। जिस दिन आपके पास 100 नहीं आता है आपको लगता होगा कि आज भी हमारे पास 100 आना चाहिए था? नहीं नहीं, भगवान से मनाते कि 100 नहीं आवे। मतलब आप भले पोस्टमार्टम का काम कर रही है, आपको पैसा मिलता है, लेकिन आप भगवान से मनाती है कि सो नहीं है। कि नहीं, भगवान से मनाते हैं कि कोई डेट नहीं। अक्सर दोस्तों जब भी आप किसी लाश या सौ को देखते हैं तो देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी कि डर से हालत खराब हो जाता है। और अभी हमारे साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की एक ऐसी महिला है जो 1, 2, 3 हजार, 2 हजार नहीं बल्कि 20 हजार से ज्यादा लोगों का पोस्टमार्टम कर चुकी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी सर बहुत। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी नाम है। अच्छा मंजू देवी, आप कहाँ की रहने वाली है? समस्तीपुर के रहने वाली। यही समस्तीपुर। कहाँ घर हुआ आपका सदर अस्पताल से? सदर अस्पताल से स्टेशन के पास है, अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 23 में मेरा अपना मकान है। अच्छा अपना मकान है, वहीं की आप रहने वाली है। तो ये समस्तीपुर का जो सदर अस्पताल है यहाँ पर आप कब से रहती है? 2000 ईस्वी से हम रह रहे हैं। 2000 ईस्वी से आप 2023 तक आप समस्तीपुर के सदर अस्पताल में रहती है। तो यहाँ आपका क्या काम होता है? यहाँ काम होता है डेड बॉडी आता है। हाँ। उसको अंदर करते हैं चौकीदार को, रजिस्टर मेंटेन करने के लिए इमरजेंसी में भेज देते हैं। उसके बाद बॉडी अंदर जाता है, उसको ओपन पूरा करते हैं। हाँ, तो खुद से पोस्टमार्टम करती है उसका? हाँ, डॉक्टर साहब रहते हैं। हाँ, कट हम लगाते हैं, कट वगैरह सब आप ही लगाते हैं? जी जी जी। तो आपको किसी लाश को देखकर सौ को देखकर डर नहीं लगता अंदर से? नहीं, डर तो नहीं लगा आज तक। आज तक कभी डर नहीं लगता? नहीं, कभी डर नहीं लगा। क्योंकि अक्सर हम लोगों को देखते हैं, उनके सामने जब भी कोई सौ दिखता है, लाश दिखता है, तो उनका हालत खराब हो जाता है, डर के मारे जो है वहां से वो भाग जाते हैं या फिर दूर हट जाते हैं। लेकिन आपको कभी लाश सौ को देखकर डर नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं लगा आज तक। और अभी तक माता जी आप कितने सौ का पोस्टमार्टम कर चुकी है? 22 से 23 हजार लगभग हम कर। 22 से 23 हजार सौ का पोस्टमार्टम कर चुकी है? जी जी। और कितने साल की आप है माता जी? 48 वर्ष मेरा उम्र। 48 साल आपका उम्र हुआ? जी जी। तो ये हमेशा आप समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करते हैं, एक दिन में कितने सौ आ जाते हैं? कभी एक आता है, कभी दो आता है, कभी पांच भी आ जाता है, कभी छह, कभी कभी पांच भी आ जाता है। जी जी जी। तो आपको कभी डर नहीं लगता? अकेले देख रहे हैं कि आप इतना बड़ा ये हॉल है, कमरा है, यहाँ पर आप अकेले रहती है और लास्ट सौ का जो है आप अकेले पोस्टमार्टम कर लेती है, डर नहीं लगता आपको? कभी डर नहीं लगा। कभी डर नहीं लगा? कभी नहीं डर लगा। कहाँ पे पोस्टमार्टम होता है? अंदर में रूम में होता है। सबसे पहले यहाँ पर मतलब जो भी सौ बॉडी आता है गाड़ी के द्वारा उसको यहाँ से अंदर लेके जाया जाता है। जी जी। हाँ, जी। तो अंदर रूम है, चल के बताइए कहाँ पे होता है। चलिए, बाकी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ मंजू देवी है जो समस्तीपुर के रहने वाली है और यहाँ पर ये पोस्टमार्टम है और यहाँ पर जो भी डेथ बॉडी आता है यानी कि जो भी सौ आता है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। माता जी आप कहाँ पे पोस्टमार्टम करती है? अच्छा यहाँ पर भी जो भी सौ आता है उसका पोस्टमार्टम होता है? हाँ, इस पर होता है पोस्टमार्टम, इधर पैर रहता है, इधर सर रहता है। अच्छा इधर पैर रहता है, इधर सौ होता है। तो आपको डर नहीं लगता है यहाँ पोस्टमार्टम करने में? नहीं, आज तक नहीं कभी डर है। कभी डर नहीं? नहीं, कोई चीज से डर नहीं लगता है। इतने पोस्टमार्टम लगभग आप कर चुकी है? 22-23 हजार होगा। 22-23 हजार लोग का पोस्टमार्टम कर चुकी है 48 साल की एज में। तो आगे और भी आप पोस्टमार्टम लगातार यहाँ पर करेगी? हाँ, अभी तो हम ड्यूटी कर। सबसे पहले माता जी ये बताइए कि जब भी यहाँ पर डेथ बॉडी आता है सबसे पहले सौ को लाया जाता है, यहाँ रखा जाता है, उसके बाद किस तरीके से पोस्टमार्टम किया जाता है? बॉडी आती है इस पर लेटा देते हैं, उसको पूरा कपड़ा काटते ओपन करके, पहले इंजुरी डॉक्टर साहब नोट करते हैं, उसके बाद जो कहते हैं कट जहाँ लगाने के लिए कट लगाते हैं, उसके बाद में कट कौन सी से करते हैं? बीपी ब्लेड है, औजार है सब वहाँ पर। हाँ, ये देखिए ये है बीपी ब्लेड। हाँ। इससे चेस्ट एब्डोमेन खुलता है, ट्रिकिया खुलता है। हाँ।
एगो बड़ा वाला चाकू है। अच्छा, इसे स्टर्मल काटा जाता है। अच्छा, इस चाकू से यहाँ का जो स्टर्मल पार्ट है उसको काटा जाता है। हाँ, उसको काटा जाता है। हाँ, ये जो छेनी हथौड़ी है उससे स्काल खोलते हैं। छेनी हथौड़ी से सर खोला जाता है, डेट बड़ी आता है। जी जी। अच्छा, आई कैंची है, इसे कपड़ा काटते हैं। कैंची से जो भी मतलब सौ का ऊपर जो कपड़ा होता है उसको काट के। हाँ, और फिर पोस्टमार्टम करने के बाद फिर क्या किया जाता है? फिर पोस्टमार्टम करने के बाद उसको सिलाई होता है, बढ़िया से सिल देते हैं। सिल के उसके बाद पैक करके बॉडी को पार्टी पूरे कमरे में अगर देखा जाए तो एक भी यहाँ पर लोग नहीं है, अकेले आप सौ को जो है पोस्टमार्टम कर देती है, तो कभी डर वगैरह नहीं लगता है कि लोग कहते हैं कि मतलब सौ को देखकर ही लोग डर जाते हैं कभी कभी? नहीं नहीं, हमको डर आज तक नहीं लगा। हाँ, कभी नहीं लगा। अच्छा, ये बताइए माता जी, बहुत सारे लोग देखकर ये भी सोचते हैं कि कभी कभी सौ वगैरह जो होता है, लोग ये भी कहते हैं कि सौ कभी कभी जिंदा हो जाता है, बैठ जाता है, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। एक बार हुआ था जो आँख खोल लेता था। हाँ, क्या हुआ था? एक्सीडेंटल बॉडी था, पूरा फ्रैक्चर था। हाँ, एकदम ताज़ा बॉडी था। हाँ, लगभग 7-8 घंटा उसका डेट की हुआ था। हाँ, उसके बाद में लाए पोस्टमार्टम के लिए, तो आँख बार बार ऐसे खोल लेता था। मतलब पोस्टमार्टम के लिए सौ को लाया गया तो वो आँख भी खोल ले रहा। हाँ, ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। हाँ, कहीं कहीं रहता है नस में, थोड़ा थोड़ा जान रहता है। प्राण जो है सो बहुत कष्ट से प्राण निकलता है। हाँ, तो उसको दो बार हम आँख मूंद दिए। हाँ, ऐसे करके दो बार आँख मूंद दिए, तीसरा बार में कहे कि शांत रहो, तुम डेड बॉडी हो। इस तरीके से आप डेड बॉडी को बोली तो शांत हो गया? हाँ, अब डेड बॉडी है, अशांत रहो, तो आँख मूंद लिया, आँख बंद कर लिया। जी जी जी। आपको देख के वो डर नहीं लग रहा था कि भाई हमारे सामने कोई इंसान सौ बॉडी वो मरा हुआ आदमी है और वो अचानक से ही उठ गया, देख के कभी डर भी लगा होगा कि हम छोड़ के यहाँ से भाग रहे? नहीं, डर आज तक तो डर कभी नहीं लगा। कभी नहीं? नहीं। अच्छा, कभी कभी माता जी आपको देखकर माया लगता है कि इतने सारे लोग जो है, आपको एक दिन में यहाँ पर पैसे कितना मिल जाता है? लोग देखकर, आप जब 20,000 से ज्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी है, लोग तो ये करना नहीं चाहते हैं, लोग डरते हैं, फिर भी आपको पैसा कितना मिल जाता है इसमें? सरकारी रेट से 380 रुपया मिलता है एक दिन का। हाँ, एक दिन का, जिस दिन बॉडी आएगा, एक आवे चाहे 100 बॉडी आवे। हाँ, उसका 380 मिलता है। एक चाहे जितना भी डेथ बॉडी आए, बस आपको 380 रुपया ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं। अगर जिस दिन डेथ बॉडी नहीं आता उस दिन नहीं मिलता है। मतलब इतना बड़ा आप काम कर रही है देखा जाए तो देश के लिए, फिर भी कभी कभी आपको पैसा भी नहीं मिलता, इतना कम पैसा मिलता है इतने बड़ी काम करने के बाद भी? जी जी। कभी कभी आपको नहीं लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, घर पे बैठ के चूल्हा चौखट जो भी घर का काम है वो सब करना चाहिए? मेरा पूर्वजों का काम है, समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, यही सोचते हैं। मतलब कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं? नहीं। क्या सोचते हैं? एगो मानवता के नाता है जो। हाँ, इसे हम पोस्टमार्टम से जानकार है। हाँ, तो कर देते हैं आकर के। इसके बारे में आप पढ़ाई लिखाई की है या फिर कहाँ से सब सीखी है? ये तो मेरा पूर्वज का काम है, कंकाल देखते देखते हमने, हमको नॉलेज हो गया। मैट्रिक हम पास है। अच्छा, मैट्रिक तक आप पढ़ी हुई है? जी जी। तो ये पूर्वज मतलब जो भी आपके आगे के पूर्वज पिछले जो हैं सारे लोग ये काम कर रहे थे, आप देखते देखते ये सब कुछ सीख ली ना? जी जी। अच्छा, अभी ये बताइए कि एक दिन में जब यहाँ पर सौ आता है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे का भी आता होगा, देख के दया भी आता होगा पोस्टमार्टम करते? बच्चा का जो बॉडी आता है उसमें थोड़ा सा देख करके दया आता है। दया आता है। हाँ, फिर काम है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, हर कोई चाहता है कि हमारे पास, कोई भी अगर दुकानदार है तो चाहता है कि हमारे पास ग्राहक आए, डॉक्टर है तो वो चाहता है कि हमारे पास मरीज आए। कभी कभी जिस दिन आपके पास सौ नहीं आता है, आपको लगता होगा कि आज भी हमारे पास सौ आना चाहिए था? नहीं नहीं, भगवान से मनाते कि सौ नहीं आवे। मतलब आप भले पोस्टमार्टम का काम कर रही है, आपको पैसा मिलता है, लेकिन आप भगवान से मनाती है कि सौ नहीं? कि नहीं, भगवान से मनाते हैं कि कोई डेट ना हो, आप पोस्टमार्टम नहीं आवे। मतलब ये देखा जाए तो आप समाज के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का आप काम कर रही है, क्योंकि अगर आपको पैसे से कोई मतलब होता तो शायद आप जाके और भी जगह अच्छा खासा पैसा कमा लेती, या फिर मतलब लोग भी पैसा दे देते, लेकिन यहाँ आप चाहती है कि डेथ बॉडी वगैरह नहीं है? नहीं आवे ना। नहीं है? जी जी। बहुत सारे महिला है जो अक्सर वो चाहती है कि हम घर में बैठ के चूल्हा चौखट करें, घर के जो भी काम है, लेकिन आपके जैसा वो नहीं करना चाहती है कि लोग हमारे बारे में क्या कुछ कहेंगे, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, कभी नहीं लगा। घर में भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बाल बच्चा सब बड़ा हो गया, बच्चा। हाँ, लोग सब बड़ा हो गया। हाँ, छोटा था। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। अच्छा, तो बेटे बेटियां कितनी हैं? बेटा 2 गो है। हाँ, बेटी 3 गो। क्या करते हैं वो लोग? बड़ा लड़का है जो दीपक मलिक है उसका नाम। हाँ, बच्चा लोग को संगीत सिखाता है। अच्छा, गिटार। बच्चे आपके नहीं बोलते हैं कि मम्मी इतना रिस्क वाला काम तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें घर पे बैठना चाहिए, हम लोग इतना कमा रहे हैं फिर भी?
वो लोग भी देखते देखते मेरा पूर्वजों का काम है, देखते देखते वो लोग को हैवी हो गया है। बड़ा लड़का भी पोस्टमार्टम करता है, कभी नहीं रहते हैं हम तो। अच्छा, बड़ा लड़का भी आपका आके यहाँ पर कभी कभी पोस्टमार्टम करता है। जी जी। तो पूरे घर में किसी को डर वगैरह नहीं लगता है? डर नहीं लगता। एक दिन में मैक्सिमम आप कितने डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम कर चुकी है? 10 प्लस, हाँ 10। कभी कभी मांग होगा सरकार से कि भाई हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको इतना कम पैसा मिल रहा है, क्या मांग रहेगा सरकार से? सरकार से हम यही मांगेंगे, यही आग्रह है कि जो कमी है पोस्टमार्टम हाउस में उसको पूरा किया जाए, हमको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। राजकर्मी का दर्जा दिया जाए ना? जी जी, राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो क्या आपको लाभ है उसमें? उसमें वेतन मिलेगा। वेतन मिलेगा ना जी? तो अभी वेतन महीने पर नहीं मिलता है क्या? नहीं, डेली वेजेज मिलता है। तीन महीने वो कोई जो 100 लेके आते हैं वो देते हैं या फिर ये सदर अस्पताल? नहीं, सरकारी तरफ से मिलता है 380 रुपया जोड़ के महीना में देते। लेकिन आप हमेशा भगवान से दुआ करती है कि हमारे पास आज डेथ बॉडी नहीं है, नहीं आवे। जी जी। अच्छा, पोस्टमार्टम जब आप करती है तो कौन कौन सा पार्ट को आप निकालती है? जैसे पॉइजन केस का हुआ तो उसका इंजुरी यही है कि नाक से फरोत रहेगा, चेस्ट खोलेंगे, डोमन खोलेंगे तो लंग्स जो है हाईली कंजेस्टेड रहता है, स्मेल रहता है उसमें, स्टमक में स्मेल रहता है, तो उसमें 7 पार्ट थोड़ा थोड़ा काट के उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो उसमें लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, लीवर हुआ, स्पिलिंग हुआ, किडनी हुआ, स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, 7 पार्ट रखा था। ये सारा चीज आपको पता है ना? चलिए, बाकी हमारे साथ माता जी आप जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको देखकर मुझे लगता है कि और भी महिलाएं जो है वो समाज को बेहतर बनाने के लिए वो भी प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपको भी धन्यवाद सर। बिल्कुल, सभी महिलाओं के कहेंगे कि कहीं कुछ नहीं है, अपना ईमानदारी पूर्वक से वो काम करे, आ जखनी ईमानदारी आएगा उखनी हौसला बुलंद हो जाएगा। सही बात, इसलिए जी। जी, ये बहुत बड़ी बात बोल रही है। जी जी जी। बाकी हमारे साथ समस्तीपुर के सदर अस्पताल में रहने वाली मंजू देवी है, जिनका इस समय सोशल मीडिया पर आपने बहुत ही वीडियो देखा होगा। अक्सर आप जब भी लाश को देखते हैं, शव को देखते हैं, तो लोग डर जाते हैं या फिर वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब बहुत सारा समस्या होता है। लेकिन ये महिला जो है कहीं ना कहीं इनके जज्बे को सलाम है कि शव को अकेले यहाँ देखा जाए तो रूम में जो है बंद कमरे में पोस्टमार्टम करती है, और इनको दिखाने का हम आप तक प्रयास कर रहे थे। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।